नमस्कार दोस्तों आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जीके हेल्प विदी पर हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत है दोस्तों इस वीडियो में हम बात करेंगे राजस्थान सामान्य ज्ञान के मोस्ट इंपोर्टेंट पैंतालीस क्वेश्चनों के बारे में ये सभी के सभी पैंतालीस क्वेश्चन दोस्तों राजस्थान पुलिस एग्जाम पैटर्न पर आधारित है तो वीडियो को अंतिम समय तक ध्यानपूर्वक देखना और अंत में आपसे एक जीके का क्वेश्चन पूछा जाएगा जिसका जवाब भी आपको वीडियो के कमेंट बॉक्स में देना होगा तो चलिए स्टार्ट करते हैं स्टार्ट करने से पहले अगर अभी तक आपने यूट्यूब चैनल जीके हेल्प विद विदी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें और पास में जो बेल आइकन है इसे भी प्रेस कर दें ताकि जब भी हम न्यू वीडियो अपलोड करें तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए चलिए दोस्तों आज का फर्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने गुर्जर प्रत्यार शासक नागभट द्वितीय के शासन के बारे में हमें जानकारी किस शिलालेख में मिलती है बताइए दोस्तों ऑप्शन आपके सामने की गुर्जर प्रत्यार शासक नागभट द्वितीय के बारे में कौन से शिलालेख में जानकारी मिलती है ऑप्शन है शंकर घटा के शिलालेख बुचकला के शिलालेख मंडोर के शिलालेख पटियाला के शिलालेख तो दोस्तों इसका बी ऑप्शन राइट हो जाए बुचकला के शिलालेख में गुर्जर प्रत्यार शासक नागभट द्वितीय के बारे में जानकारी मिलती है यह कब का है दोस्तों 815 सौ पंद्रह ईस्वी का यह ध्यान रखना एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया कि बुचकला शिलालेख कितना पुराना है तो आपको याद रखना आठ सौ पंद्रह ईस्वी का है और यह वर्तमान में कहा पर स्थित है तो याद रखना बिलाड़ा जोधपुर में यह प्रेजेंट टाइम में स्थित है चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन है राव शाही सिक्के किस रियासत में प्रचलित थे बताइए दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है राव शाही सिक्के किस रियासत में प्रचलित थे ऑप्शन आपके सामने अलवर रियासत झालावाड रियासत सिरोही रियासत करौली रियासत तो दोस्तों इसका ए ऑप्शन राइट हो जाए अलवर रियासत दोस्तों सिक्कों से संबंधित क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं तो आपको याद रखना है सिक्कों का जो अध्ययन होता है दोस्तों वो मुद्रा शास्त्र के अंतर्गत आता है जिसे न्यूमेटिस्टिक कहते हैं ये भी देना चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है यूनानी संस्कृति से संबंधित अवशेष किस पुरास्थल से प्राप्त हुए हैं बताइए दोस्तों यूनानी संस्कृति ऑप्शन आपके सामने है गणेश्वर विराट बालाथल बीनमाल तो दोस्तों इसका बी ऑप्शन राइट हो विराट से प्राप्त हुए हैं और दोस्तों इसी विराट का क्या नाम था विराट नगर जो कि मत्स्य महाजनपद की राजधानी हुआ करती थी चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन है एकलिंग मातम्य नामक ग्रंथ के रचनाकार कौन है दोस्तों बहुत बार यह क्वेश्चन पूछा गया आपको बताना है कि इस ग्रंथ के रचनाकार कौन है तो दोस्तों इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन राइट हो जाए कर्ना व्यास एकलिंग मातम्य ग्रंथ के रचनाकार कर्ना व्यास है अगर दोस्तों आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर करें और अपने मित्रों के साथ इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कालीबंगा सभ्यता की खोज किसने की थी बताइए दोस्तों बहुत बार एग्जाम में यह क्वेश्चन पूछा गया कि कालीबंगा सभ्यता की खोज किसने की थी तो दोस्तों इसकी खोज की थी अमलानंद घोष ने यानी कि इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन राइट हो जाएगा अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि यहां पर उत्खनन कार्य किसने किया था तो दोस्तों ध्यान रखना बीबी लाल बीके थापर ने कालीबंगा सभ्यता में उत्खनन कार्य किया था और खोज की थी

चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है भोज किस वंश का शासक था मीर भोज बताइए दोस्तों किस वंश का शासक था सिसोदिया राठौड़ गुर्जर प्रत्यार परमार तो दोस्तों भोज गुर्जर प्रत्यार वंश का शासक था यानी कि इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन राइट हो जाए दोस्तों इनकी उपाधियों से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं मेरी भोज की जो उपाधियां दोस्तों आपको याद रखना है आदिवरा किसकी उपाधि है मेरभोज की और एक और उपाधि दोस्तों प्रभास ये भी मेरभोज की उपाधि है तो याद रखना आदिवरा व प्रभास है मेरभोज की उपाधि है चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है त्रिपुरा सुंदरी का मंदिर किस जिले में स्थित है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों मंदिरों से संबंधित जो भी दर्शनीय स्थल है यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है तो आपको बताना है त्रिपुरा सुंदरी का मंदिर राजस्थान के कौन से जिले में स्थित है ऑप्शन है बाड़मेर डूंगरपुर बांसवाड़ा बारह तो दोस्तों इसका सी ऑप्शन बांसवाड़ा जिले में स्थित है और त्रिपुरा सुंदरी को पांचाल जाति के लोगों की कुलदेवी कहा जाता है पांचाल जाति के लोगों की कुलदेवी यह भी आपको ध्यान है है रखना अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर करें और अपने मित्रों के साथ इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है अठारह की क्रांति के समय टोंक रियासत का नवाब कौन था बताइए दोस्तों बहुत बार एग्जाम में यह क्वेश्चन पूछा गया कि अठारह की क्रांति के समय टोंक रियासत का नवाब कौन था तो दोस्तों इसका बी ऑप्शन राइट हो नवाब नजीर खां नवाब नजीर खांसोन की क्रांति के समय टोंक रियासत का नवाब था आपको मैं बता देता हूं दोस्तों राजस्थान में एकमात्र मुस्लिम रियासत कौन सी थी तो याद रखना टोंक थी और इसके संस्थापक कौन थे अमीर खा पिंडारी थे चलिए तो अगला क्वेश्चन है अठारह की क्रांति के समय राजपुताना की किस रियासत के शासक को बाकर जंगल में निवास करना पड़ा बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ध्यान से पढ़िए दोस्तों क्वेश्चन को और फिर इसका जवाब दीजिए ऑप्शन आपके सामने है। तो दोस्तों बांसवाड़ा के शासक लक्ष्मण सिंह को बाकर जंगल में निवास करना पड़ा था क्योंकि अठारह की क्रांति के समय बांसवाड़ा पर तात्या टोपे आक्रमण कर देता है इसी कारण लक्ष्मण सिंह बाकर जंगलों में निवास करते हैं तो इसका डी ऑप्शन राइट है चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है दूधवा खारा किसान आंदोलन किसके नेतृत्व में किया गया इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों किसान आंदोलन से संबंधित प्रत्येक एग्जाम में एक या दो क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं तो आपको बताना है दूधवा खारा किसान आंदोलन किसके नेतृत्व में किया गया था तो दोस्तों इसका बी ऑप्शन राइट हो चौधरी हनुमान सिंह के नेतृत्व में किया गया था और दोस्तों मैं आपको बता देता हूं जो दूधवा खरा किसान आंदोलन है यह बिकानेर राज्य में हुआ था एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाए कि दूध दूधवा खारा किसान आंदोलन किस राज्य से संबंधित है तो आपको याद रखना बिकानेर राज्य से चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है तीस मार्च उन्नीस को स्थापित वैध राजस्थान के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे वृद्ध राजस्थान दोस्तों एकीकरण का चौथा चरण बताइए दोस्तों ऑप्शन आपके सामने शोभावत गोकुललाल असावा मणिक्यलाल वर्मा हीरालाल शास्त्री तो दोस्तों इसका डी ऑप्शन राइट हो जाए हीरालाल शास्त्री वैध राजस्थान के प्रधानमंत्री थे मैं आपको बता देता हूं दोस्तों एकीकरण का जो प्रथम चरण था उसका नाम था मत्स्य संघ और मत्स्य संघ के प्रधानमंत्री कौन थे तो याद रखना सोबाराम कुमावत और एकीकरण का दूसरा चरण दोस्तों पूर्व राजस्थान संघ और पूर्व राजस्थान संघ के प्रधानमंत्री थे गोकुललाल असावा और एकीकरण का तीसरा चरण दोस्तों संयुक्त राजस्थान और संयुक्त राजस्थान के प्रधानमंत्री थे माणिक्यलाल वर्मा तो ये दोस्तों क्रम वाइज मैंने लिखी है ताकि आपको ये फैक्ट अच्छी तरह से याद करवा सकूं तो आप इन्हें आसानी से याद कर सकते हैं यहां पर चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है रियासतों के भारतीय संघ में विलय से पूर्व अस्तित्व में रहा कुशलगढ़ ठिकाना वर्तमान में किस जिले में स्थित है दोस्तों आपको बताना है कि कुशलगढ़ जो ठिकाना है यह वर्तमान में किस जिले में स्थित है ऑप्शन आपके सामने अजमेर उदयपुर बांसवाड़ा सिरोई तो दोस्तों इसका सी ऑप्शन राइट हो जाए बांसवाड़ा जिले में कुशलगढ़ ठिकाना आता है दोस्तों एकीकरण हुआ था उस समय उन्नीस तो रियासतें थी तीन ठिकाने थे और एक केंद्र शासित प्रदेश था तीन ठिकाने दोस्तों आप याद रख सकते हैं नकुल से निमराणा कुशलगढ़ और लावा तो दोस्तों कुशलगढ़ तो बांसवाड़ा जिले में आपको बताना है दोस्तों निमराना ये किस जिले में है और लावा ये किस जिले में है

गोपी जी भट्ट राजस्थान के किस लोक नृत्य शैली के कलाकार है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गोपीजी भट्ट राजस्थान के किस लोक नृत्य शैली के कलाकार है बताइए दोस्तों तो याद रखना दोस्तों तमाशा यानी कि इसका ए ऑप्शन राइट right है चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है संगीत जगत से जुड़े किस कलाकार को मरणोपरांत राजस्थान रतन से सम्मानित किया गया बताइए दोस्तों राजस्थान रतन से किसको सम्मानित किया गया था ऑप्शन आपके सामने है, दोस्तों ध्यानपूर्वक देखिए और इसका जवाब दीजिए तो दोस्तों मरनो प्रांत राजस्थान रतन से जगजीत सिंह को सम्मानित किया गया था ये दोस्तों गजल गायक थे और ये श्री गंगानगर जिले से संबंधित थे ये भी आपको ध्यान रखना है राजस्थान पुलिस का जो 2014 में एग्जाम हुआ था उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया था कि जो जगजीत सिंह गजल गायक है इनका पैतृक निवास कौन सा था तो श्री गंगानगर उसका राइट था तो ये याद रखना है यहाँ का से क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है चलिए अगला क्वेश्चन है कामायचा का संबंध किस जाति से है बताइए दोस्तों कामायचा का संबंध किस जाति से है तो दोस्तों इसका ए ऑप्शन राइट हो जाए मंगन जाति से संबंधित है कामायचा चलिए अगला क्वेश्चन है केसरिया बालम अवनी पदारो मारे देश को अल्लाह जिला भाई ने किस राग में गया बहुत बार एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया दोस्तों आपको मैं बता देता हूँ केसरिया बालम आओ नी पधारो मारे देश ये राजस्थान का राज्य गीत है और दोस्तों ये गाया गया सबसे ज्यादा किस राग में मांड राग में यानी कि इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन राइट हो जाए और किन्ों ने गया इसे ज्यादा बार अल्लाह जिला बाई ने और दोस्तों आपको मैं बता देता हूँ अल्लाह जिला बाई इनको उन्नीस में पद्मश्री पुरस्कार मिला था और 2012 में राजस्थान रतन से सम्मानित किया गया था ये दोनों क्वेश्चन पूछे गए हैं दोस्तों कि जिला भाई को राजस्थान से कब सम्मानित किया गया और इने पदम कब मिला था तो याद और दो अगला क्वेश्चन है लोक लोकगीत है बताइए दोस्तों लोक लोकगीत है किस प्रकार के सामने गाली गीत बदावा गीत जच्चा गीत भक्ति गीत तो दोस्तों ने एक प्रकार के गाली गीत है यानी कि इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन राइट हो जाएगा दोस्तों मैं आपको बता देता हूं इस यूट्यूब चैनल पर राजस्थान पुलिस से संबंधित मॉडल पेपर डेली अपलोड किए जाते हैं अगर आपने अभी तक इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें और पास में जो बेल आइकन है उसे भी प्रेस कर दें ताकि आपको आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलता रहे तो सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों अगर आप राजस्थान पुलिस की तैयारी कर रहे हैं तो चलिए दोस्तों ताँट� अगला क्वेश्चन है वह कौन सी जनजाति है जो मुख्यतः कथा तैयार करने का कार्य करती है कथा तैयार करने का कार्य कौन सी जन जाति जनजाति करती है बताइए दोस्तों तो दोस्तों आप आसानी से याद हैं कथा से कथोड़ी यानी कि इसका ए ऑप्शन राइट है चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है धिंगा गवर बेंतमार मेला कब और कहां लगता है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है धिंगा गवर बेंतमार मेला कब और कहां लगता है तो दोस्तों ये लगता है कृष्ण को जोधपुर में तो ये ध्यान रखना कृष्ण जोधपुर को धिंगा गेंतमार मेला लगता है यानी कि इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन राइट है चलिए अगला क्वेश्चन है अमर कांचली क्या है बताइए दोस्तों अमर कांचली क्या है एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया और दोस्तों मैं आपको बता देता हूं जितने भी अभी तक सोलह मॉडल पेपर पूछे गए इन सोलह मॉडल पेपर में दोस्तों प्रत्येक दिन पैंतालीस क्वेश्चन पूछे गए थे और ये सभी के सभी क्वेश्चन दोस्तों पूर्व के भर्ती परीक्षाओं में पूछे गए बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इन्हीं मॉडल पेपरों के इर्द गिर्द क्वेश्चन आपके एग्जाम में मिलेंगे तो बताइए दोस्तों अमर कांचली क्या है तो याद रखना दोस्तों एक भाई द्वारा बहन को दिया गया वचन अमर कांचली कहलाता है यानी इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन राइट है चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है वर पक्ष वाले वधु के लिए जो कपड़े गहने जेवर आदि बनवाते हैं उन्हें क्या कहा जाता है बताइए दोस्तों वर पक्ष वाले वधु के लिए जो कपड़े गहने जेवर आदि बनवाते हैं उन्हें क्या कहा जाता है और बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा गया आपको याद रखना है बरी पड़ला यानी कि इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन राइट है चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आभूषण पहना जाता है बताइए दोस्तों मेमंद आभूषण कहां पर पहना जाता है ऑप्शन आपके सामने सिर पर कमर पर भुजा पर पैरों पर तो दोस्तों जो मेमंद आभूषण है ये सिर पर पहना जाता है यानी कि इसका ए ऑप्शन राइट है दोस्तों एक आभूषण राखी होता है एक होता है रखड़ी ये बहुत बार पूछा जाता है दोस्तों बहुत बार एग्जाम में पूछा गया कि रख, रखड़ी आभूषण पहना जाता है तो आपको याद रखना है ये आभूषण सिर पर पहना जाता है और राखी होता है ये दोस्तों हाथ की कलाई पर तो यहाँ पर कंफ्यूज नहीं होना है हो, है दोस्तों राखी और रखड़ी अलग अलग चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है जिस जिले से सत्तर डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा गुजरती है वह बताइए दोस्तों सत्तर डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा किस जिले से गुजरती है ऑप्शन आपके सामने चित्तौड़गढ़ धौलपुर जैसलमेर अलवर अलवर तो दोस्तों याद रखना इसका सी ऑप्शन राइट है सत्तर डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा जैसलमेर जिले से गुजरती है चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है डॉक्टर सरबपल्ली राधा कृष्णन शिक्षा संकुल स्थित है बताइए दोस्तों डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन शिक्षा संकुल कहां पर स्थित है ऑप्शन आपके सामने है जयपुर बीकानेर अजमेर उदयपुर तो इसका ए ऑप्शन राइट हो जाए जयपुर में डॉक्टर सरबपल्ली राधाकृष्णन शिक्षा संकुल स्थित है दोस्तों वीडियो को लाइक जरूर करें और अपने मित्रों के साथ इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और दोस्तों आज सुबह आठ बजे दोस्तों राजस्थान पुलिस पार्ट बी से संबंधित भी वीडियो अपलोड किया गया था अगर आपने नहीं देखा है तो दोस्तों उसे जरूर देखें क्योंकि पार्ट बी में दोस्तों आपके एग्जाम में पैंतीस क्वेश्चन जीके जीएस और जीएस से संबंधित पूछे जाएंगे और ज्यादा से ज्यादा दोस्तों पार्ट बी को ही देखें क्योंकि पार्ट बी की आपको अच्छी से अच्छी तैयारी करनी होगी क्योंकि पिछली बार पार्ट बी में लगभग स्टूडेंट फेल हो गए थे तो याद रखना है दोस्तों पार्ट बी को आपको अच्छी तरह से देख रहे हैं क्योंकि मैं उस वीडियो में जीके के क्वेश्चन और जनरल साइंस के क्वेश्चन और जनरल करंट अफेयर के क्वेश्चन बहुत अच्छी तरह से आपको बताया और उस उनके बारे में विवरण से जो जानकारी है वो भी अच्छी तरह से दी है एक बार उन्हें जाकर जरूर देखें दोस्तों अगर आपको पसंद आता है तो उन्हें लाइक करें और अपने मित्रों के साथ उसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें तो दोस्तों जो नेक्स्ट क्वेश्चन है बातारी फुलवारी नामक ग्रंथ के रचयिता कौन है

निम्नलिखित में से कौन सा एक भौतिक विभाजन सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला है बताइए दोस्तों आपको बताना है भौतिक विभाजन सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला राजस्थान का तो दोस्तों इसका सी ऑप्शन राइट हो जाए उत्तर पश्चिमी प्रदेश है इसका सर्वाधिक क्षेत्रफल है दोस्तों कमेंट बॉक्स में बताना है कि जो उत्तर पश्चिमी प्रदेश है इसका क्षेत्रफल कितने कमेंट बॉक्स में इस क्वेश्चन का जवाब जरूर दे चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है राजस्थान के कौन से जिले में उड़िया पठार स्थित है बताइए दोस्तों राजस्थान के कौन से जिले में उड़िया पठार स्थित है ऑप्शन आपके सामने जयपुर उदयपुर सिरोही प्रतापगढ़ तो दोस्तों इसका सी ऑप्शन राइट हो राजस्थान के सिरोही जिले में उड़िया पठार स्थित है आपको याद रखना है दोस्तों कि यह राजस्थान का सबसे ऊंचा पठार है एग्जाम में यह क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया कि राजस्थान का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है तो याद रखना उड़िया पठार और इसकी जो ऊंचाई है दोस्तों वो है तेरह मीटर और ये दोस्तों राजस्थान के सिरोही जिले में स्थित है चलिए अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा राजस्थान की जलवायु को प्रभावित करने वाला आधारभूत तत्व है बताइए दोस्तों बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन एक पूछा गया और दोस्तों जो 2019 में अधीनस्थ बोर्ड द्वारा जो एग्जाम लिए गए वहां से ये क्वेश्चन सभी के सभी लिए गए तो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट ये वीडियो है जो दोस्तों जियोग्राफी के जितने भी क्वेश्चन है इस वीडियो में वो दो के अधीनस्थ बोर्ड में जो एग्जाम हुए वहां पर पूछे गए हैं तो दोस्तों इसका जो आधारभूत तत्व है वो है तापमान यानी कि इसका सी ऑप्शन राइट है राजस्थान की जलवायु को प्रभावित करने वाला आधारभूत तत्व तापमान है याद रखना है दोस्तों क्योंकि सभी ऑप्शन आपको स्टिक लग रहे हैं लेकिन इसका जो करेक्ट आंसर है वो है तापमान चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन है राजस्थान में मृस्तुलकरण की सबसे प्रभावी प्रक्रिया कौन सी है बताइए दोस्तोंकरण की सबसे प्रभावी प्रक्रिया ऑप्शन आपके सामने वनस्पति अवनयन जल अपर्दन पवन अपर्दन जल संचयन तो दोस्तों इसका सी ऑप्शन राइट हो जाए पवन अपर्दन मृस्तुलीकरण की सबसे प्रभावी प्रक्रिया है चलिए अगला क्वेश्चन है राजस्थान में वर्ष 2014-15 के दौरान सर्वाधिक बाजरे का उत्पादन निम्नलिखित में से किस जिले में किया गया बताइए दोस्तों सर्वाधिक जो बाजरे का उत्पादन है वो राजस्थान के कौन से जिले में 2015 के दौरान किया गया था ये भी क्वेश्चन दोस्तों सभी के सभी क्वेश्चन पूछे गए 2019 जो दिनेश बोर्ड द्वारा एग्जाम लिए गए इसका सी ऑप्शन राइट हो जाए सर्वाधिक बाजरे का उत्पादन अलवर जिले में हुआ था चलिए अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी बेड की प्रजाति भारतीय मेरिनो के नाम से जानी जाती है बताइए दोस्तों भारतीय मेरिनो के नाम से कौन सी बेड की प्रजाति जानी जाती है तो दोस्तों इसका बी ऑप्शन चोकला भेड़ है ये भारतीय के नाम से जानी जाती है चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नाकित में से प्रतापगढ़ जिले में कौन सी बहुउद्देश्य उद्देश्य परियोजना स्थित है बताइए दोस्तों प्रतापगढ़ जिले में कौन सी बहुउद्देश्य परियोजना स्थित है ऑप्शन आपके सामने जवाई परियोजना जाखम परियोजना माही बजाज सागर परियोजना बिशलपुर परियोजना तो दोस्तों इसका ऑप्शन राइट हो जाए ये प्रतापगढ़ जिले में स्थित है चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है मोरिजा बनोल खनन क्षेत्र है बताइए दोस्तों मोरिजा बनोल खनन क्षेत्र है तो याद रखना दोस्तों यह लोहे ऐश्य खनन के लिए प्रसिद्ध क्वेश्चन का बी ऑप्शन राइट है चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है जयपुर से आगरा राष्ट्रीय राजमार्ग ग्यारह का नया नंबर क्या है राष्ट्रीय राजमार्ग ग्यारह का नया नंबर बताने है दोस्तों जयपुर से आगरा के बीच है ये तो दोस्तों इसका डी ऑप्शन राइट हो जाएगा एनएच इक्कीस एनएच इक्कीस राष्ट्रीय राजमार्ग ग्यारह का नया नाम है चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है जैसलमेर जिले में पालीवाल ब्राह्मणों द्वारा शुरू की गई परंपरागत जल संरक्षण की विधि कहलाती है बताइए दोस्तों, जैसलमेर जिले में पालीवाल ब्राह्मणों द्वारा शुरू की गई परंपरागत जल संरक्षण विधि कौन सी है? तो दोस्तों इसका हो जाए, बहुत ही है और आपको याद रखना खड़ीन है यह जैसलमेर जिले में पालीवाल ब्राह्मणों द्वारा शुरू की गई परंपरागत जल संरक्षण की विधि है चलिए दोस्तों थर्टी नाइन क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस एक के लिए प्रसिद्ध है शीर्ष बैरने दोस्तों अलवर में स्थित है आपको बताना है कौन किसके लिए श्रीष्क्य प्रसिद्ध है ऑप्शन आपके सामने है काला तेंदुआ सफेद बाग कोवा, तो दोस्तों का अभ्यण्य अलवर हरा कबूतर के लिए प्रसिद्ध है यानी कि इसका डी ऑप्शन राइट हो जाएगा दोस्तों अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर करें और अपने मित्रों के साथ इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2017 के अनुसार आरक्षित वन श्रेणी के अंतर्गत राजस्थान के कुल वन क्षेत्र का प्रतिशत है आरक्षित वन श्रेणी के अंतर्गत बताइए दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत बार एग्जाम में यह पूछा जाता है तो आरक्षित वन श्रेणी के अंतर्गत राजस्थान के कुल वन क्षेत्र का अड़तीस पॉइंट ग्यारह प्रतिशत है यानी कि इसका ए ऑप्शन राइट है चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है राजस्थान में निम्नलिखित कौन से जिलों में लाल लोमी मिट्टी पाई जाती है लाल लोमी मिट्टी बताइए दोस्तों कौन से जिलों में पाई जाती है तो याद रखना दोस्तों लाल लोमी मिट्टी पाई जाती है डूंगरपुर एवं उदयपुर जिलों में यानी कि इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन राइट है चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी के अपवाय तंत्र में सम्मिलित नहीं है बताइए दोस्तों बंगाल की खाड़ी के अपवाय तंत्र में कौन सी नदी सम्मिलित नहीं है तो दोस्तों मैं आपको बता दूं पार्वती पर्वन और सीप ये तो बंगाल की खाड़ी के पवात तंत्र में सम्मिलित है लेकिन जो अनास नदी है ये बंगाल की खाड़ी के तंत्र में सम्मिलित नहीं है तो इसका डी ऑप्शन यहाँ पर है, राइट हो जाएगा चलिए अगला क्वेश्चन है कविराज श्यामल दास वीर विनोद के रचयिता दोस्तों पुरातत्व्यता मुनि जिन विजय का जिस जिले में जन्म हुआ वह जिला है बताइए दोस्तों इनका जन्म किस जिले में हुआ था श्यामल दास और मुन्नी जिन विजय का तो दोस्तों याद रखना इनका जो जन्म हुआ था वो हुआ था बीलवाड़ा जिले में वस्त्र नगरी जिले में इनका जन्म हुआ था यानी कि इस क्वेश्चन क्वेश्चन का बी ऑप्शन राइट है है चलिए दोस्तों अगला निम्नलिखित में से कौन सी नगरी महाकवी माघ की नगरी के तौर पर जानी जाती है पिछले वीडियो में भी दोस्तों आपसे क्वेश्चन पूछा गया था इसी से रिलेटिव तो आपको याद रखना है महाकवि माघ की नगरी जानी जाती है बीन के नाम से यानी कि इसका ऑप्शन राइट right है बीनमाल स्थान दोस्तों राजस्थान के जालोर जिले में स्थित है यह भी आपको ध्यान रखना है शिशुपाल दोस्तों यह माकवी माँ की रचना है चलिए दोस्तों क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा युगम मुद्राएं जारी करता सुमेलित नहीं है बताइए दोस्तों कौन सा युगम मुद्राएं जारी करता से सुमेलित नहीं है तो दोस्तों इसका सी ऑप्शन राइट right हो जाए विजय साई बिक्कानेर राज्य द्वारा जारी नहीं होता था जो ये सिक्का है दोस्तों विजय विजयशाई ये बीकानेर राज्य से जारी नहीं होता तो आपको याद रखना है किससे जारी होता था जोधपुर से किससे जोधपुर राज्य से विजय विजयशाही सिक्का जारी किया जाता था तो याद रखना दोस्तों झाड़शाही जो सिक्का है यह जयपुर राज्य से जारी होता है विनसोपक जो सिक्का है दोस्तों चा वंश के द्वारा जारी किया जाता था और डब्बू डब्बूशाई दोस्तों मेवाड़ राज्य के द्वारा जारी किया जाता है तो ये याद रखना दोस्तों सिक्कों से संबंधित एग्जाम में अक्सर क्वेश्चन पूछ लिया जाता है तो आपको याद है रखना है चलिए दोस्तों आप बात करते हैं लास्ट वीडियो में जो आपसे क्वेश्चन पूछा गया था उसके बारे में लास्ट वीडियो में आपसे क्वेश्चन पूछा गया था कि कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति के लेखक कौन है तो दोस्तों कीर्ति स्तंभ कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति के लेखक है महेश भट्ट यानी कि सी ऑप्शन इसका राइट था और लगभग स्टूडेंट ने इस क्वेश्चन का जवाब राइट दिया और आपको भी कहता हूं दोस्तों अगर क्वेश्चन का जवाब आपको पता हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखा करो क्योंकि जो चीज़ आप कमेंट बॉक्स में लिख देते हो वो आपको सदा भर के लिए याद हो जाती है चलिए अब बात करते हैं आज के क्वेश्चन के बारे में क्वेश्चन ऑफ द डे के बारे में आज का क्वेश्चन है राजस्थान में अशोक का अभिलेख कहां प्राप्त हुआ था ऑप्शन आपके सामने बडली बरनाला बेराट बुचकला तो दोस्तों आपको बताना है अशोक का अभिलेख राजस्थान में कहां से प्राप्त हुआ था इस क्वेश्चन का जवाब आप वीडियो के कमेंट बॉक्स में जरूर दें आपको यह वीडियो कैसा लगा यह भी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो इसे लाइक जरूर करें और अपने मित्रों के साथ इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें धन्यवाद दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए जय हिंद वंदे मातरम जय भारत